नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मुझसे और मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे ही नवरात्र समाप्त होते हैं, हमारी भारतीय नारियों को इंतजार रहता है उनके सबसे बड़े त्यौहार करवा चौथ का। करवा चौथ का दायरा आजकल बढ़ता ही जा रहा है। पहले केवल हिंदू नारियां ही या हिंदू महिला ही करवा चौथ का व्रत रखती थी, लेकिन आजकल दूसरे धर्मों की महिला भी, दूसरे धर्म की नारियां भी करवा चौथ का व्रत रखती है या करवा चौथ को मानती है। इससे पता चलता है करवा चौथ के इम्पोर्टेंस का। तो चलिए बात करते हैं इस कंफ्यूजन का कि इस साल करवा चौथ कब मनाया जा रहा है, मतलब 16 अक्टूबर को या 17 अक्टूबर को। क्योंकि मैंने YouTube पे कुछ ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें करवा चौथ 16 अक्टूबर को बताया जा रहा है, यानी कुछ वीडियो में बोला जा रहा है कि जो करवा चौथ है इस साल वो 16 अक्टूबर को आएगा। तो मैंने ये वीडियो आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही बनाया है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू शास्त्रों के हिसाब से उदय काल तिथि को ही पूर्ण तिथि माना जाता है, मतलब जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उसी तिथि को पूर्ण तिथि माना जाता है। तो चलिए मैं आपको समय बताता हूँ कि 17 अक्टूबर की सुबह 6:15 से चतुर्थी तिथि स्टार्ट हो जाएगी। 17 अक्टूबर को सुबह 6:15 से चतुर्थी तिथि स्टार्ट हो जाएगी और उस दिन यानी 17 अक्टूबर को जो सूर्य का उदय काल है, यानी सूर्य का जो उदय है वो 6:27 से है। तिथि कब लग रही है? 6:15 पे और सूर्य का उदय हो रहा है 6:27 पे। इसका मतलब ये है कि सूर्य जब उदय होगा उस समय चतुर्थी ऑलरेडी लग चुकी होगी, मतलब 17 अक्टूबर को ही चतुर्थी पूर्ण होगी, यानी पूर्ण तिथि माना जाएगा उसको। तो मेरा ये सभी से अनुरोध है कि अब आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 17 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। वीडियो का विषय रहेगा कि करवा चौथ का व्रत कैसे रखा जाता है, कौन सी सामग्री उसमें उपयोग की जाती है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्र दर्शन का समय क्या है, इन सभी विषयों पर हम हमारा अगला वीडियो बनाएंगे। तो फिर देखना ना भूले हमारा अगला वीडियो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश।